हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीयू पे मैंने एक वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूपीपीएससी की एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है खंड शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। तो इस पे मैंने आपको एक वीडियो प्रदान किया था जिसमें सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में जो दी गई थी उससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें दी थी। लेकिन आपको पता है कि इसमें बहुत सारा बदलाव कर दिया गया। आज के दैनिक जागरण के हर एक पेज पे या किसी भी पेज पे अगर आप जाएंगे, न्यूज का जो दैनिक न्यूज होते हैं, न्यूज के सारे अखबार में नियर अबाउट दिया गया है। तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन कल कर दिया गया। और परिवर्तन क्यों किया गया, उसके पीछे की रीज़न क्या थी, उसमें सिलेबस क्या बदला गया है, क्या उसमें माइनस मार्किंग आई है और उसमें वेटेज कैसे बढ़े हैं, कैसे घटे हैं, इन सारी चीज़ों के पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ सही जगह पे हैं और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे देखिए, इसमें शैक्षिक योग्यता में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया, ठीक। परीक्षा और तथा परीक्षा में भी बदलाव कर दिया गया, परीक्षा में भी बदलाव हो गया है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें जानने के लिए आप यहाँ पे सही जगह पे हैं, 100% आपको सही जानकारी मिलेंगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, बीईओ की वैकेंसी आई थी, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दें, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको बता दें। तो इसके साथ हम लोग चलते हैं वीडियो के छोर पे, अगले छोर पे, जहाँ पे अगले पड़ाव पे हमको सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, आज के दैनिक जागरण का ये आज का पेपर है और ये पेपर हमको लगता है प्रयागराज में है। तो इस पेपर में आप देखिए क्या दिया गया है। देखिए, बीएड व एलटी डिप्लोमाधारी ही बीईओ पद पर आवेदन के अर्हे। यानी अगर आप बीएड किए हैं या तो एलटी डिप्लोमाधारी हैं तो ही आप बीईओ के पद पर योग्यता पा सकते हैं, यानी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 13 जनवरी तक लेगा ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 13 जनवरी तक ही लेगा ऑनलाइन आवेदन। उसके बाद नीचे जब आते हैं तो इसमें देखिए दिया गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी पद की भर्ती में सिर्फ बीएड व एलटी डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को ही अर्हम बताया है। ये बात याद रखिएगा, बीएड और सिर्फ एलटी डिप्लोमा वाले ही विद्यार्थियों को अर्हता बताई जा रही है कि उन्हीं की अर्हता है, नहीं किसी की अर्हता है नहीं। अभ्यर्थियों के असमंजस को दूर करते हुए आयोग ने बताया कि बीएड और एलटी डिप्लोमा के अलावा समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा ही मान्य होगा। इसमें शिक्षा शास्त्र से बीए व एमए करने वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे उसमें उस दिन आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन आप जाकर पढ़िए, तो उसमें लिया गया है कि अगर आप एजुकेशन से या शिक्षा शास्त्र से अगर आप जो है ग्रेजुएट हैं तो आपकी योग्यता ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसके अथवा इसके समकक्ष डिग्री और डिप्लोमा मान्य होगा। इसमें शिक्षा शास्त्र से बीए या एमए करने वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। बीए या एमए करने वाले शिक्षा शास्त्र से आवेदन नहीं कर सकेंगे, एक बात। वहीं बीटीसी और डिप्लोमा डीएलएड, बीटीसी और डीएलएड के डिप्लोमाधारी मान्य नहीं है, बीटीसी और बीएलएड के डिप्लोमाधारी भी मान्य नहीं है। तो इन वैकेंसी पे एकदम स्पष्ट जान लीजिए कि सिर्फ बीएड वालों के लिए ही चांस है, बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया है। यूपीपीएससी 12 दिसंबर को खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर ऑनलाइन भर्ती निकाली है। अभ्यर्थियों से 13 दिसंबर से आवेदन लिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है। इस भर्ती में शैक्षिक अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों में अजमंजस की स्थिति थी। बीएड एलटी डिप्लोमा के साथ बीटीसी और डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी भी फॉर्म भरने लगे थे, देखिए क्या था कि इनके यहाँ अगर ऐसा कोई पहले से रहा होता, अगर इन्होंने पहले प्रावधान बनाया होता तो हमारी योग्यता डालते ही फार्म रिजेक्ट हो जाता है। आप पहले से जानते हैं, आप सब फार्म फिल किए हैं कि जब योग्यता नहीं रहती तो उसमें आपसे पूछता है कि यू आर एलिजिबल, तो यू आर एलिजिबल की जगह पर यस जब आपसे करते हैं तो आपसे ग्रेड मार्क और योग्यता पूछता है। तो जब आप उसको फिल करते हैं, अगर आपकी योग्यता बराबर रहती तब तो फार्म ले लेता, अगर आपकी योग्यता बराबर नहीं रहती तो फार्म सबमिट नहीं होता है। आप हर एक वैकेंसी में ये चीज़ जानते हैं, जैसे आप यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी जान लेते तो उसमें क्या होता है, खाली ये पूछता है कि यूपी ट्रिपल एस सी में कि आप ट्रिपल सी पास हैं, आप यस कर देते हैं, आपका ले लिया जाता है, चूंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करता। लेकिन यूपीपीएससी जब कोई काम करता है तो हाई स्कूल इंटर या डिग्री का बीएससी बीए का वो आपसे डिग्री ग्रेड ये सब चीज़ें मांगता है। तो जब ये चीज़ें मांगता है तो इसका मतलब वो फॉर्म में पहले ऐसा था कि लिया जाना था, लेकिन इन्होंने बदलाव कर दिया। क्या बदलाव किया, सब कुछ आपको पता चलेगा कि शिक्षा शास्त्र से भी बीए वाले नहीं लिए जाएंगे, शिक्षा शास्त्र से एमए किए हैं तो भी नहीं लिए जाएंगे,
बीटीसी और डीएलएड वालों को भी इन्होंने निकाल दिया। आप देखिए नीचे, जबकि कुछ शैक्षिक अर्हता की जानकारी के लिए आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। इसके मद्देनज़र आयोग ने परीक्षा नियंत्रक अरविंद मिश्र, आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक हैं अरविंद मिश्रा हैं, ने विज्ञप्ति जारी करके बताया कि भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड या एलटी डिप्लोमाधारी, बीएड या एलटी डिप्लोमाधारी ही इस भर्ती के लिए अर्हता है। अगर स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में ना हो तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव ये कर दिया गया, जबकि उसमें कहीं पे भी चर्चा नहीं, पूरी नोटिफिकेशन मैंने एक एक लाइन पढ़ी, उसमें कहीं पे भी चर्चा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन इन्होंने कल, देखिए कल के पेपर में, कल नोटिस इनकी जारी हुई तो उसमें उन्होंने लगा दिया कि बीओ की प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी और अंतिम चयन लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा। देखिए इन्होंने यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी लगा दिया, और निगेटिव मार्किंग अगर लगी है तो यूपीपीएससी लगाई थी, आप मान के चलिए कि निगेटिव मार्किंग 1/3 ही होने वाली है, यानी पीसीएस के तर्ज पे आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। दो चरणों में होगी परीक्षा। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा दो चरणों में कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा का आधार पर, मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। परीक्षा में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। देखिए आपकी साक्षात्कार नहीं होगा, यानी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 13 गुना अभ्यर्थी सफल किए जाएंगे, और जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके हिसाब से 13 गुना अभ्यर्थी सफल किए जाएंगे मेंस के लिए। तो आप मान चलिए मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने जाने वाले हैं, 13 × 39 और 9 × 13, मतलब लगभग 4000 बच्चे जाएंगे। 4000 बच्चे किस में जाएंगे, मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 300 अंकों की होगी परीक्षा। बीओ की प्रारंभिक परीक्षा 300 अंक नंबर की होगी, जिसमें 2.5 अंक के 120 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, जबकि मुख्य परीक्षा के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 120 अंक का, मुख्य परीक्षा के 2 पेपर होंगे। पहला 200 अंक का सामान्य अध्ययन और दूसरा 200 अंक की सामान्य हिंदी व निबंध पेपर होगा। दूसरे पेपर में 100 नंबर की सामान्य हिंदी और 100 नंबर का हिंदी निबंध होगा। मुख्य परीक्षा में कुल 40 दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 प्रश्न समानता उत्तरी होंगे, तथा इसके लिए तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया कितने कितने नंबर के कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो बहुत बड़ी जानकारी है, यूपीपीएससी ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया बीईओ के वैकेंसी में। जबकि बीईओ के वैकेंसी में आपको बहुत साक्षरता के अकॉर्डिंग बहुत सही चीज़ें दी गई थी कि अगर आप एजुकेशन से बीए हैं, एमए हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, तो पहले अगर फॉर्म ले रहे थे तो इनको ले लेना चाहिए था। लेकिन इन्होंने एक तरह से पक्षपात कर दिया और सिर्फ अब बीएड वाले ही और एलटी वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जिनके लिए बेनिफिशियल हो तो डालेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए निराशा का एक सूचक हो गया। तो फिर हम मिलेंगे किसी नई अपडेट, नई जानकारी के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।